नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, वो है रिवर्स लिंकेज। एक लिंकेज को रिवर्स करना है, तो रिवर्स लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क पे लेना सीधे ही, ठीक है। वैसे बोलने होगा क्या होगा जो वाला केस था। चलो लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताऊं मैं। 1 2 3 इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं बहुत बार। तो 1 2 3 4 है, आपको करना कुछ नहीं। 4 3 2 1 करना है, लिंक लिस्ट ऐसे बना देंगे। 4 3 2 1 4 3 2 और 1 ये है लिंक लिस्ट को पलट देना। ये हेड है, ये हेड है आपका नया हेड ये हो जाना चाहिए, समझ में आ। लिंक लिस्ट यदि पलट दिया और इसके एरो ध्यान से देखना, एरो ऐसे हो गए, रिवर्स करना है। एरे को रिवर्स करना थोड़ा आसान होता है, इसको रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम तो देख, इसको रिवर्स कैसे। अच्छा हम ये भी तो कर सकते हैं कुछ इस तरह से करें, एरे को रिवर्स करने का पहले उल्टा लूप चला के उसको प्रिंट करते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, पर इसमें वो नहीं कर रहा। इसका हेड अभी 1 था, अब इसका हेड 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हेड। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, एक काम कर सकते हैं ना, ये 1 जो है ये पॉइंट कर कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट कहाँ कर रहा है 2 को। तो इसका बॉन्ड तोड़ के इसके पिछले वाले की तरफ पॉइंट करवा दो, फिर 2 पर है। 2 कहाँ पॉइंट कर रहा है 3 को, इसका बॉन्ड तोड़ के इसके पिछले वाले को पॉइंट करवा। 3 कहाँ पॉइंट कर रहा है 4 को, इसका बॉन्ड तोड़ के पीछे वाले को पॉइंट करवा। 4 कहाँ पॉइंट कर रहा है कहीं नहीं, बट जहाँ पॉइंट कर रहा है उसके पिछले वाले को पॉइंट कर रहा है, और हेड जो है यहाँ पे ले। तो लिंक लिस्ट ये और यहाँ सेम तो बन गई। 4 पॉइंट करा 3 पॉइंट करा 2 पॉइंट करा 1 को ना, 4 पॉइंट करा 3 को 2 को 1 और हेड। ये दोनों सेम ही तो है। हाँ तो मैंने करा क्या है, मैंने करा कुछ नहीं है। मैंने ये बोला है कि आप यहाँ पर हो, आपने पिछले वाले को पॉइंट करो, आपने पिछले वाले को पॉइंट करो, आपने पिछले वाले, और पिछले वाले के लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा। तो मैं एक पॉइंट बना सकता हूँ ना प्रीवियस, ये प्रीवियस होगा जो नल को पॉइंट कर रहा है, ये हवा में पॉइंट कर रहा है, ये होगा करंट, ये जो पिछले पॉइंट करेंगे वो। और एक है ये है नेक्स्ट पॉइंटर, ये NPTR लिखता हूँ, NPTR NPTR। अब मैं बताता हूँ उसका मतलब, मैं बोल कर रहा हूँ जो करंट है वो पिछले वाले को पॉइंट करना था, पिछला कौन है प्रीवियस, प्रीवियस किसको पॉइंट करना है नल को, तो ये नल को पॉइंट करना होता है। ये बॉन्ड तो टूट गया क्योंकि बॉन्ड एक ही कर सकता है, बॉन्ड टूट गया। अब मैं बोलूँ करंट कहाँ जाए, करंट अपने अगले जगह जाए, करंट का अगला तो पॉइंट ही नहीं करना, क्योंकि अगला तभी जा सकते ना पॉइंट करेगा। इस केस में अगर करंट का अगला बोलेंगे तो करंट का अगला यहाँ पर जाए, करंट मैं बोलूँगा करंट तुम अपने अगले पे चले जाओ, तो करंट का अगला तो ये है क्योंकि पॉइंट तो उधर करने लग गया ना, इसलिए मैंने एक अलग से पॉइंटर बना रखा है NPTR। बोलो करंट तुम वहां चले जाओ जहाँ नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट जा रहा है, तो करंट यहाँ पर आ जाएगा। और प्रीवियस तुम वहां चले जाओ जहाँ करंट पहले पॉइंट कर रहा था, तो एक काम करेंगे देखो कैसे करेंगे। अब कुछ इसको इस तरह करेंगे, फिर से बनाते हैं। ये क्वेश्चन था, हेड यहाँ पे था, हेड यहाँ पे था। अब मैं बोलूँगा कि प्रीवियस बन गया यहाँ पे, करंट बन गया यहाँ पे सी, और एन बन गया यहाँ पे नेक्स्ट, एन नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। मैं बोलूँगा करंट तुम कहाँ पॉइंट कर रहे हो, कह रहा अगले, चलो तुम अगला मत करो प्रीवियस पॉइंट, चलो ठीक। अब मैं बोलूंगा कि प्रीवियस तुम करंट पे आ जाओ, और करंट तुम नेक्स्ट पे चले जाओ, नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटर पे, नेक्स्ट पे जाओगे तो आगे चले जाओगे, नेक्स्ट पॉइंटर जहां पॉइंट करते हो वहां पे आ जाओ। यानी कि पहले प्रीवियस को बना रहे हैं, प्रीवियस तुम करंट पे आओ, करंट तुम अपने नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट तो पीछे हो जाएगा। तो काम करो तुम नेक्स्ट के पॉइंटर पे चल रहे हो जहां पॉइंट कर रहे हैं, जो मैंने पहले से बना रखा है, क्योंकि नेक्स्ट पे जाने का मतलब ये होता है कि जहां पॉइंट करे वहां जाना। जब मैं ऐसा लिखता हूँ ना करंट का नेक्स्ट, इसका मतलब है करंट कहां पॉइंट कर रहा है, करंट जहां पॉइंट करे वहां जाना, बट करंट जहां करंट ना का पॉइंट कर रहा है तो पीछे जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ करंट तुम नेक्स्ट पॉइंटर पे चले जाओ, तो करंट यहां आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट तुम क्या आगे जा सकते हो, उसने बोला भाई मेरे को आगे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आराम से चल रहा हूँ, पॉइंट ही बढ़िया तरीके से कर रहा है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब सेम काम करना, सेम काम करंट अपने प्रीवियस को पॉइंट करो, करा प्रीवियस को,
प्रीवियस करंट पे आ जाओ, आ गया, बॉन्ड टूट चुका यार, और करंट तुम अपने नेक्स्ट पे दे दो, तो नेक्स्ट पे आ गया, और नेक्स्ट पॉइंटर तुम अपने नेक्स्ट पे दे दो, तो ये था नेक्स्ट। अब देखो कंफ्यूज हो रहा है, अब थोड़ा सिंपल करके दिखाएगा इसको, तो कुछ ऐसा मैं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ करंट तुम जो है पॉइंट करने लगे हो प्रीवियस को, ये तो बोलो करंट तुम पॉइंट करने लगे हो प्रीवियस को, प्रीवियस को या फिर जहाँ प्रीवियस पॉइंट करना है, जहाँ प्रीवियस पॉइंट करना है, तो ऐसे लिखेंगे करंट का नेक्स्ट, यानी करंट जो है उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट करने लगे प्रीवियस को, तो प्रीवियस को पॉइंट करते हैं जहाँ प्रीवियस पॉइंट, ठीक है, ये मेरे लिए पीछे पीछे आ गए। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि प्रीवियस आ जाए करंट पे, प्रीवियस आ जाए किस पे करंट पे, और करंट फिर आगे बढ़ाऊंगा, तो करंट किस पे चल रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे, इक्वल टू लिखने का मतलब चल रहा है, और नेक्स्ट लिखने का मतलब पॉइंट करने लग जाए। जब मैं करंट लिख रहा हूँ ना, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट, इस लाइन का मतलब समझो आप, इस लाइन का मतलब ये कि करंट वाला जहां में भी है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, और करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस का मतलब करंट जाएगा नहीं कहीं, करंट पॉइंट कहां करता है, पॉइंट कहीं और करने लग जाएगा, इसका मतलब पॉइंट कहीं और करने लग जाएगा, याद रखिएगा इसका मतलब है कि पॉइंटर चेंजिंग द पॉइंटर, चेंजिंग पॉइंटर ओनली, नो शिफ्ट इन करंट, और इसका मतलब शिफ्ट इन करंट, मैंने करंट के नेक्स्ट को बोला प्रीवियस पे, अभी करंट में थोड़ी करा इस वक्त है ना, चेंजिंग पॉइंट ओनली नो शिफ्टिंग करंट, करंट अपने प्रीवियस को पॉइंट लग गया, ठीक है, प्रीवियस करंट पे आ गया और करंट अब शिफ्ट हुआ है नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पॉइंटर अपने ही नेक्स्ट की तरफ चला जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंटर को बोला जाएगा आप चले जाओ नेक्स्ट पॉइंटर के नेक्स्ट, ये नाम है याद रखना, नाम पॉइंटर का नाम है, तो नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ चला जाए, जो नेक्स्ट पॉइंटर का नेक्स्ट है ना उस पर ये शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, जहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब पहली पहली क्लास में मैंने क्लियर करा था सारा कुछ काफ़ी देर तक, तो एक बार उसको करोगे ना, दो तीन पॉइंटर है ना, तो तीन पॉइंटर हैं, एक प्रीवियस करंट और नेक्स्ट, ये नेक्स्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंटर का, ताकि मैं करंट को जो अपडेट कर सकूँ, करंट को मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि करंट का नेक्स्ट करने का मतलब है पीछे से देता हूँ, नेक्स्ट तो सभी का है ना, जो इनबिल्ट है जो बनाया, नेक्स्ट सभी का है, नेक्स्ट तो सभी का है, नेक्स्ट वो पॉइंटर है, ठीक है, ये ऐसा काम करना है। अब देखो थोड़ा सा और सही से वो बताते हैं, अच्छा डायग्राम बना के सुंदर सा, तब शायद और क्लियर हो जाए, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ठीक। अब देखो इधर प्रीवियस है, इधर करंट है, इधर नेक्स्ट, ठीक है, करंट पॉइंट लग जाए, करंट का नेक्स्ट पॉइंट कर इसे देख के, मतलब प्रीवियस जो है वो बनाया है अभी, हां ना करंट जो भी बनाया है, करंट भी बनाया है नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो तो सेकंड टू नंबर है उसका तो है ही वो, हां अरे ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर, पॉइंटर है सारे, ये इसकी तरफ उंगली कर रहा है, ये इसकी तरफ उंगली कर रहा है, मैं तूने कहा ना कि जो नेक्स्ट है वो सबका है, मतलब कि जो ये वाला ना जो नोड पे जो पॉइंटर है जो बनाया है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है ना सबका, ये नेक्स्ट है आप, ठीक है, तो वैसे तो ये नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि इनमें नेक्स्ट होगा ऐसे, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, बट ये नेक्स्ट पॉइंटर है जो पूरे को पॉइंट कर रहा है, इसका नाम कुछ और रख दो, हां कुछ और रख दो, मैं भी रख देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही थी इसको, अगला ठीक है, अगला ठीक है, इसको अभी कर लेते हैं, अभी जान रहा है इसको पहला कर लेते, ठीक है, तो अभी पॉइंट करने लग जाए पहले को, पहला, ठीक है, अच्छा पॉइंट करने लग जाएगा अभी का नेक्स्ट, अभी का नेक्स्ट कौन है, ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको पहले को, तो यार पहले को पॉइंट कर दिया, तो ये बॉन्ड तो टूट गया है ना, अब ये करने लग गया, अब देखो अब बोलेगा पहला तुम अभी भी आ जाओ, तो पहला अभी भी आ गया, तो पहले यहाँ बोला पहला अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अब अभी को बोला तो अगले पे चले, तो अभी करंट टाइम में अभी भी और जो पहला भी वो दोनों एक ही जगह, एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, अब अभी को बोला तो अगले पे चले, अभी कहाँ गया, यहाँ पर आ गया,
अगले को बोला अगले तुम अपने नेक्स्ट पे चल रहे हो, तुम अपने नेक्स्ट पे चल रहे हो, यानी कि तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है, तुम अपने अगला तुम यहाँ चल रहे हो जी जी अगले समझे। अब फिर से बात करना, अभी तुम कौन हो, क्या दो फिर तुम्हारा बॉन्ड तीन ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड तोड़ो, अभी का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाए प्रीवियस को, प्रीवियस कौन है। अब इस पूरे नोड को पॉइंट करना है, याद रखना ठीक है, इसको पॉइंट करना है। फिर बोला प्रीवियस तुम अभी भी आओ, अभी तुम अगले पे जाओ, अगला तुम अपने अगला पे जाओ, फिर अभी तुम्हारा नेक्स्ट कौन है, तुम अपना बॉन्ड तोड़ो और प्रीवियस की तरफ पॉइंट करो, प्रीवियस तुम अभी पर आओ, अभी तुम ना जाओ, अभी अगले तुम अगले पे जाओ, ठीक है, अभी काम करें तो उसे डर का नहीं खत्म हो गया यहाँ पर, अभी तुम अपने प्रीवियस को पॉइंट करो, तुम्हारा नेक्स्ट कौन है, तुम प्रीवियस को प्रीवियस तुम अगले और इस पर आओ और अभी तुम आगे जाओ, तुम अगले पे जाओ, अगला यहाँ पर आ गया, अगले पे जाना नेक्स्ट पे नहीं जाना, अभी अगले पे जाता है नेक्स्ट पे जाता, क्योंकि नेक्स्ट जाएगा तो पीछा जाएगा। और जब अभी अगले पर आया तो हमने ये पाया कि वो नल की तरफ कदम बढ़ाया, और जब वो नल की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं बोला कि प्रीवियस जो है वो आखिरी पर आया, और जो प्रीवियस है उसी को हेड बनाया और इसी हेड को रिटर्न करवाया, और तभी मेरा आंसर आया, कर लोगे। अब तो मैं कैसे करना, तीन पॉइंटर लेने और कैसे कैसे करना है वो याद रखने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग लगाने उसमें। अब कई बार भूल गए कि कंडीशन क्या थी, भूलने कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्रीवियस जो है आखिरी पर खड़ा होगा और इसको हेड भी अपडेट करना है, ये बात जरूरी है कि हेड भी अपडेट करना है, क्योंकि हेड अभी आपको याद था, हेड को ये करना है लास्ट में रिटर्न करना है हेड, अब बोलते हैं ये नया हेड है, क्वेश्चन है ये कोड है, लीड कोड का नहीं, अच्छा सवाल है, हाल आते हैं ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो आपको बताऊँ कि हम कुछ पॉइंटर बनाना है प्रीवियस जो कि होगा नल पे, ठीक है, एक पॉइंटर बनाना है करंट जो कि होगा किस पे, हेड पे, शुरू से बोल देता हूँ, और एक पॉइंटर बनाना है अगला जो किस पे होगा, हेड के नेक्स्ट पे, अरे हेड तो शुरुआत में है हमारा, उसके नेक्स्ट पे। अब काम करना चालू करना, कब तक करना है ये नेक्स्ट ना, ये कंफ्यूज कर रहा होगा, नेक्स्ट कंफ्यूज कर रहा है कि पहली क्लास करोगे ना तब क्लियर होगा ढंग से, नहीं जो ये है ना जैसे कहा कि हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट ये है, तो और उसी टाइम पर नेक्स्ट उसको भी बोल रहे हैं जो उसका जो पॉइंट रहा है उसको भी नेक्स्ट बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, अरे हेड का नेक्स्ट यही है, बट इसमें है क्या है ये पता होना चाहिए, इसमें इसका एड्रेस है, अच्छा 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 इसका एड्रेस है, तो ये भी नेक्स्ट है बिल्कुल और ये भी नेक्स्ट है बिल्कुल, इसमें ये पूरा नोड रखा हुआ है, तुम्हें बोलो अगला हेड के नेक्स्ट पे, और कब तक काम करना है, जब तक अभी वाला पॉइंट जो है करंट वाला पॉइंट जब तक नल होगा, जैसे ही नल होगा वैसे उनको समझ में आएगा कि ये काम हुआ है, तो कब बोला जब तक चलो, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल हो तब तक काम करो, और यह काम लिख के जला काम लिख के भाई लूप में लगा देना, ये काम काम जो भी लिखवाया करंट का नेक्स्ट प्रीवियस की तरफ पॉइंटर, प्रीवियस जो करंट की तरफ आया करंट जो नेक्स्ट पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर आ गया ऊपर, ये करते 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 आपको पता चलेगा प्रीवियस जो है लास्ट पे आ जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, योर हेड इज ऑन पी नाउ है ना, और लास्ट में हेड क्या करना है, काम हो गया, काम हो गया, समझ आ गया, लग नहीं रहा पूरा पूरा आ गया, अब इस कोड को जरा खोल लीजिए और इस कोड और डायग्राम पर पढ़ेंगे एक बार, लीड कोड का सवाल है, कोई लैपटॉप वगैरह लाया आदमी का इसको रोकते हैं, तो रिवर्स ऑफ इंग्लिश हमने पढ़ लिया, अब इसको रिकर्जन से पढ़ना है, रिकर्जन से कैसे कर सकते हैं, अब देखो रिकर्जन में आप लोगों को पता ही है बिलीव फेथ वाला बना बताया था ना, बिलीव करना है फेथ रखना है, छोटे पे बिलीव बड़े पे छोटा वो करना कुछ नहीं है, एक फंक्शन बनाना है आपको वाइड फंक्शन, ठीक है, और आपको एक हेड दे रखा है नोड स्टार हेड, आपको ये बोला कि इस फंक्शन से ये उम्मीद है, याद रखना इस फंक्शन से ये उम्मीद है कि इसको हेड मिलेगा तो ये लिंक इसको रिटर्न करेगा, इसको हेड मिलेगा तो लिंक इसको रिवर्स करेगा, इस फंक्शन से आपको ये उम्मीद है,
थोड़ा दिखता नहीं मुझे को लग रहा। ठीक है, आपको हेड दिया तो इस फंक्शन से ये मिला कि हेड देगा तो रिवर्स भी करेगा, ठीक है, और रिटर्न भी करेगा क्या हेड का एड्रेस कि नया हेड कौन हो गया। तो इस फंक्शन में क्या लिखा जाएगा मुझे नहीं पता, बट इससे उम्मीद ये है कि इसको हेड मिलेगा तो ये इसको रिवर्स भी करेगा और नया हेड को रिटर्न भी करेगा। अच्छा, ठीक है, तो काम करना इससे उम्मीद रखो, इस छोटे से उम्मीद रखो, यानी कि ये नया हेड इसको मान के चलो, इसको बोले कि तू तेरे से उम्मीद है कि तू जो है रिवर्स करेगा और रिवर्स करके नया हेड देगा। तो इसके छोटे में हम ये बिलीव कर सकते हैं ना कि लिंक लिस्ट ऐसी हो जाएगी 1s है और 4 3 2, रिकर्जन से हम ऐसा बिल्ड कर लेंगे और नया हेड ये हो जाएगा न्यू हेड। अरे इस फंक्शन से ये मिलेगा कि हेड देंगे, अगर हेड देंगे हेड तो इस पूरे को रिटर्न पूरे को उल्टा करेगा और नया हेड 4 उसको रिटर्न करेगा। तो अपने छोटे से उम्मीद कर सकते हैं ना कि भाई तू तू नया हेड ये है, तू अपने आप को पलटेगा और नया हेड 4 आएगा तो उसको तू रिटर्न करेगा, तेरे की 4 मिल गया। अब करना कुछ नहीं, ये हेड है, ये हेड है, कुछ इस तरह से करना है कि भाई इसको ना आखिरी में लगाना है, इसको आखिरी में तो लगाना है, इसको आखिरी में तो लगाना है, इसको रिकर्सल से कर लिया, इसको आखिरी में लगाना है, रिवर्स हो गया, ये तो करना। इसको और नहीं तोड़ सकते ऐसे, इसको रिकर्सल को एक स्टेप में तोड़ते हैं बड़ा, हाँ मतलब तो उसके बाद अपने आप होगा रिकर्सल, वो बंद को आखिरी में लगा जाएगा बेस केस में आ जाएगा। हाँ वो कैसा लगाना है सोचेंगे अभी, बस वही सोचना है वन को आखिरी में लगाना कैसा वही सोचना है। तो देखो मैं ऐसा हो सकता हूँ कि मेरा न्यू हेड ये रहा, न्यू हेड तो मेरे को ऐसा मिल जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसको बोलूंगा कि भाई हेड के नेक्स्ट से चालू कर, हेड के नेक्स्ट से चालू कर और पलट दे और नया हेड दे दे तुम्हें। इतनी लाइन लिखने से रिवर्स हो गई लिंक लिस्ट, ठीक है, खाली इतनी लाइन लिखने से लिंक लिस्ट हो गई रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये पलट गया, ऐसा आ गया न्यू हेड मिल। अब स्टेप ये कि आपको ना इस टू के नेक्स्ट को पॉइंट कराना है यहाँ पे, यानी कि टू को पहले से लेके चलो टू कहाँ पर है, एक काम करो ये टेल इसको टेल मान लो, वो टेल जो है एक काम करते हैं वो नेक्स्ट को बन को कॉल करेगा, तो मैं बोलता हूँ ना टेल इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, यानी कि टेल का है इधर टेल बन के चलता हूँ, टू टू पे टेल है इस पे हेड है, इसको रिवर्स किया तो न्यू हेड है, टेल तो अभी यहाँ पर है और टेल अगर वहां पर है तो टेल का नेक्स्ट शुड बी पॉइंटिंग टू कहाँ पे, यहाँ पे हेड पे, टेल का नेक्स्ट शुड बी पॉइंटिंग टू हेड, तो बोल सकते हो ना टेल का नेक्स्ट शुड बी पॉइंटिंग टू हेड एंड माय न्यू हेड इज इक्वल टू न्यू हेड। अब नया हेड तो यही बन गया ना, जब पलटेंगे तो नया हेड 4 बन जाएगा, तो रिटर्न क्या करेंगे न्यू हेड, रिटर्न क्या करेंगे न्यू अंडरस्कोर हेड का, देखो क्या टेल को मैंने यहाँ पे लिखा, हेड अभी यहाँ पर, मैंने बोला भाई इस वाले को जो है पलट दो और इसका हेड दे दो, इस फंक्शन से यही तो उम्मीद थी, उसको पलटा इसका हेड मिला, उसको टेल बना दिया सेकंड वाले को, हाँ तो ऑटोमेटिकली हेड बन जाएगा 4 ऑटोमेटिकली, कैसे ये फंक्शन बना के देगा हमको, ये फंक्शन रिकर्जन बना के देगा हमको, इसको थोड़ा डिफाइन करेगा वो फंक्शन को, फंक्शन फंक्शन को इस फंक्शन से ये उम्मीद है जब इसको हेड मिलेगा तो ये पलटेगा भी, पहला काम पलटेगा दूसरा काम हेड देगा, पहला काम पलटेगा दूसरा काम हेड देगा, और कहाँ से पलटना है वो बात भी जरूरी है, यानी कि हेड से शुरुआत करके पूरी पलटेगा और नया हेड देगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हेड के नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से लेकर हेड तक पलटेगा और नया हेड देगा, तो न्यू हेड मिल गया जो कि 4 होगा। अब कैसे हुआ, यही तो रिकर्जन है, ये तो पढ़ा है, इसको पलटा 4 यहाँ मिला और टेल पहले से बना हुआ था यहाँ पे, टेल को पॉइंट करने लग जाने हेड पे, क्योंकि हेड तो अभी वहीं पर है, हटवा कर ये हेड टेल जो है यहाँ पे पॉइंट करने लग गया और मेरा आंसर क्या होगा,
अब क्या लिंक इसका बनी 3 4 2 1 मैंने कहते 1 2 3 4 एक को लास्ट में लाने तो यही तरीका था ना कि दो का जो नेक्स्ट है वो उसको बर्न करेगा हेड को बस यही है तो यही करना है तो ये वाला चक्कर जरा ये तो रिकर्स से ज्यादा सामना हां ये कर ज्यादा सामना ठीक है तो हेड का नेक्स्ट अब जब तो ये देखो जरा देखो पर हां ठीक है भाई अब बस ये इसको पॉइंट कर लेते हैं ना इसका बॉन्ड भी तोड़ देना बस चलिए ये इसको पॉइंट करा ना अभी भी इसी को पॉइंट करा तो ये तो इसको पॉइंट कर लेगा बट ये इसका बॉन्ड है नल की तरफ कर देना जब आपने इसको पलटा तो पलटा तो ऐसा आंसर आया ना ऐसा आपने टेल में मैं इसको यहाँ पर दिया और हेड के ये तो अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है तो इसको तोड़ के इसको नल कर देना नल यानी कि अगर इसको दोबारा कोड लिखो ना इसका कोड दोबारा अगर लिखा जाए इसको कोड को दोबारा जल्दी तो ये कोड कुछ ऐसा होगा देखो ये कोड कुछ ऐसा होगा कि ये है हेड फंक्शन से उम्मीद है कि हेड मिलेगा तो कोड रिटर्न करेगा और न्यू हेड को रिटर्न करेगा तो मैं बोल सकता हूँ ना कि न्यू हेड ले लेते हैं पहले न्यू हेड 4 होगा तो क्यों होगा फंक्शन में हेड के नेक्स्ट को पास करेगा यानी कि हेड के नेक्स्ट से लेके एंड तक पलटो हेड के नेक्स्ट से लेकर एंड तक पलटो और न्यू हेड कौन है उसको देखो तो आंसर क्या आएगा 1 और इधर 4 3 और 2 दिया जाएगा है ना 4 3 और 2 और न्यू हेड मेरा ये है 4 ये तो मेरा न्यू हेड है बट 1 अभी हेड न्यू हेड को ही पॉइंट कर रहा है ठीक है और हमारा टेल है ना टेल क्या है ना टेल हमारा था हेड का नेक्स्ट ठीक है बट हेड का नेक्स्ट तो इस वक्त न्यू हेड हो जाए तो आपको टेल पहले से डिफाइन करना है ये टेल जो है आपको यहाँ लिखना है यहाँ पर कि पहले टेल ही करना है टेल इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट पहले टेल लिखना है ये टेल पहले बोलती है ये टेल अब पलट इसको पलट तो पलट दिया ये न्यू हेड आ गया और ये टेल आ गया ठीक है इतना कर दिया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा टेल का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाए हेड को टेल का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाए हेड को और हेड का नेक्स्ट पॉइंट करने लग जाए नल को क्योंकि हेड तो कोई पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो नल को और लास्ट में रिटर्न कर दो न्यू हेड लास्ट में रिटर्न कर दो न्यू हेड तो न्यू हेड से मैंने फंक्शन कॉल करके रिमेनिंग को पलट दिया न्यू हेड मिल गया ठीक है पहले टेल निकाला क्योंकि जब मैं पलट दूंगा तो हेड का नेक्स्ट तो न्यू हेड हो जाएगा हेड का नेक्स्ट तो न्यू हेड हो जाएगा तो पहले मैंने टेल को निकाला पहले वाला टेल ही है अब जो भी करना कर दो पलट दो पर टेल तो ही आपको आती है न्यू हेड ये तो मैं टेल का नेक्स्ट जो हेड की तरफ आ जाएगा हेड का नेक्स्ट जो नल की तरफ आ जाएगा और इसका कदे न्यू हेड ये न्यू हेड टेल को पहले करना है